तो ये है मेरी रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650, जिसमें मैंने राइडा का कवर ले रखा है, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम आ रही थी बाइक में एक, कि जब भी बारिश हो रही थी तो टैंक में पानी भर जा रहा था। तो मैं ऐसा दो बार मैं सर्विस सेंटर गया हूँ पानी निकलवाने के लिए। तो फाइनली मुझे इसका सोल्यूशन मिल चुका है, जो कि है इसके अंदर। लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड दिस। पैकिंग तो काफी खतरनाक तरीके से कर रखी है। इसके अंदर है ये RPC लिखा है इसमें, और ये हम लगाएंगे अपनी बाइक के टैंक के अंदर। देखते हैं इसको कैसे लगाना है। इसको पेट्रोल टैंक हमने निकाल दिए, अब हम इसको निकालना है। इसको हम यूज़ निकालेंगे इसकी हेल्प से। तो मेरे को स्क्रू ड्राइवर बड़ा नहीं मिला था, छोटा मिला था। अब इसको निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे, क्योंकि छोटा स्क्रू ड्राइवर है। निकल गया इसका पार्ट, इसको मैं रख देता हूँ। और ये देख सकते हैं पूरा फटा हुआ है। तो इसकी रॉयल एनफील्ड का जो ये पार्ट होता है, इसकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है, इसलिए ये बहुत जल्दी फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें पानी वानी जाता है अंदर। देख सकते हैं आप, हम साइड करते हैं थोड़ा सा, हम डालेंगे इसमें ये। तो जो हमारा प्रोडक्ट आया था, इसकी पैकेजिंग मुझे इतनी खास नहीं लगी जैसे मैंने देखा था ऑनलाइन। अब ये जो है हमारा प्रोडक्ट, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। आई होप जल्दी ख़राब ना हो। मैं इसमें लगा देता हूँ, क्लिक के बजाय यानी कि फिट हो चुका है। हम इसमें लगाएंगे वापस इसका ये पार्ट ओ रिंग के ऊपर। एक साइड से फिट नहीं हो पा रहा है, कोई ना कोई पार्ट। ओके, फाइनली हमने थोड़ा अंदर डाल दिया इसको, ऐसे इसको पुश करते हैं। ये हो गया फिट, देख सकते हैं आप, बिल्कुल फिट हो गया ये। आई होप अब मेरी वाटर टैंक में दोबारा दिक्कत ना आए पानी वाली, क्योंकि इसमें बार बार फ्यूल टैंक के अंदर यहाँ पे पानी खुल जा रहा था, इसलिए मैंने ये चेंज कराया।